हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ के लिए बैक साइड में गले की एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम गले की डिज़ाइन, जो बैक साइड का गला होता है, उसकी डिज़ाइन बनाएंगे। पहले हमें गले की लंबाई लेनी है, तो गले की लंबाई लेंगे हम 10.5 इंच, यानी कि 10 इंच हमारी तैयार आएगी, तो 1/2 इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच पे, यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच लेना है। इस तरह से हमें ये गले के लिए ये बॉक्स बनाते हैं। अब जो भी गले की डिज़ाइन होगी, वो जैसे ब्लाउज़ का जो गला है, इसे हमें ये 2.5 इंच में नहीं बनाते, 2.5 इंच के बाहर, जैसे 1 इंच, 1/2 इंच या 1.5 इंच, जितना भी आपको ब्रॉड गला चाहिए उतना आपको 2.5 इंच से बाहर लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे इस तरह से हम जो पान शेप होता है, इस तरह से पहले हम इसका शेप देंगे, फिर बाहर के साइड में इसे इस तरह से राउंड शेप देंगे। और इसमें हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे बाहर के साइड से इसे यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम सीधा कट करेंगे, आधा इंच छोड़ के इसको हमें बाहर के साइड में कट करना है। जो गले की डिज़ाइन है वो बनाते हैं, जो गले का शेप हमने दिया है उसको कट करेंगे। इस तरह से हमने ये बैक साइड का जो नेक है उसकी कटिंग मैंने आपको करके दिखाई है। ये देखिए, यहाँ पे आप इसमें पैच वाला गला भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से छोटा सा पैच भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ आप इस तरह से डोरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिंपल सा नेक तैयार करके दिखाया है। तो अगर आपको ये नेक पसंद आया होगा, तो आप कैनवास पेपर पे कट करके इसको ब्लाउज़ के ऊपर गले की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पेपर के ऊपर कट कैसे करना है ये आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।